हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चेतनाज किचन में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के उत्पम, जिसे रवा, सूजी को रवा भी बोलते हैं, उसके उत्पम बनाएंगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखना और एक बार ज़रूर ट्राई करना। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने एक प्याज, जिसको हमें बारीक कट करना है प्याज को, और ये मैंने लिया है एक टमाटर, जिसको मैंने बारीक कट करके रख लिया है। ये चीज़ें हमें बारीक कट करनी है। ये मैंने लिया सूजी आधी कटोरी, और आधा कटोरी ही मैंने दही लिया। दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ये मैंने थोड़े से धनिया के पत्ते ले लिए हैं, और एक हरी मिर्ची, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, आधी छोटी चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ली है। तो चलिए सबसे पहले हम पेस्ट बनाएंगे उत्पम का। तो सबसे पहले मैंने कटोरी, आधी कटोरी है सूजी की, वो डाल ली है, जिसे सेमोलिना भी बोलते हैं। और उसके अंदर मैंने जितनी सूजी डाली है उतना ही मैंने डाला है दही। और अब हम इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से कर देंगे मिक्स, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है, थोड़ा सा, बिल्कुल आधी कटोरी से भी कम पानी डाला है। और उन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, सूजी को और दही को। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनते हैं उत्पम, और शायद आपने नहीं खाए तो आप एक बार इस रेसिपी से ज़रूर बनाना, बहुत पसंद आएंगे, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं ये। अब हम इसी बैटर के अंदर डाल देंगे प्याज, टमाटर, और इनको भी करते जाएंगे बिल्कुल अच्छे से मिक्स। ये मैंने हरी मिर्ची डाल दी है। हरी मिर्ची की क्वांटिटी आप ज़्यादा भी रख सकते हो अगर बड़ों के लिए बना रहे हो तो। ये मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाल दी है। ये लाल मिर्ची पाउडर आप कम कर सकते हो बच्चों के लिए बना रहे हो तो। और ये मैंने नमक डाल दिया है, आधी छोटी चम्मच अपने टेस्ट के हिसाब से। और ये थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया, और हरा धनिया को भी बारीक कट करना है हमें, बिल्कुल बारीक कट करना है। और ये देखिए मैंने सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा देती हूँ, और इसमें 10 मिनट तक मैं इसको रेस्ट देती हूँ। 10 मिनट के बाद में हम देखेंगे कि सूजी है वो हमारी फूल गई है। ये देखिए बैटर थोड़ा गाढ़ा हो गया है, तो सूजी हमारी फूलती है ना, इसलिए बैटर गाढ़ा हो गया है। बैटर बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब हम चलिए बनाते हैं उत्पम बनाते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप ध्यान से देखना, और बहुत अच्छी बनती है ये। तो ये मैंने एक तवा लिया है, नॉन स्टिक तवा है, आप चाहो तो कोई भी तवा ले सकते हो। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा देती हूँ पहले, और अब हम एक चम्मच की सहायता से इसके ऊपर बैटर डालेंगे। तो ये देखिए हम बैटर डालते हैं आराम से। सूजी का जो हमने घोल बनाया था दही का और सूजी का, वो थोड़ा सा थिक होना चाहिए तभी हमारा बैटर ठहरेगा। तो ये देखिए हमने बैटर को डाल दिया है, उसके चारों ओर थोड़ा सा ऑयल और लगा दिया है ताकि ये किनारी छोड़ दे। तो ये देखिए किनारी छोड़ दी है, और मैंने इसको पलट भी दिया है, पलटे की सहायता से, चम्मच की सहायता से, आपको जैसे सही लगता है वैसे उसकी सहायता से आप इसको पलट दें, बिल्कुल आसानी से पलटा जाता है ये। और इसके ऊपर वापस से हम लगा देते हैं ऑयल। तो ये देखिए मैंने इसको पलट दिया है, कितना सुंदर कलर आया है, बहुत ही मस्त बना है हमारा उत्पम, और टेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा है। ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल तैयार कर लिया है। इसी प्रकार हम दूसरा बना लेते हैं। ये उत्पम बिल्कुल जैसे हम आमलेट खाते हैं उसकी तरह लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इसे ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको कैसे लगते हैं। तो ये देखिए मैं दूसरा उत्पम तैयार कर लिया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर कलर आया है इसका, और बहुत ही फटाफट भी बन जाते हैं, टाइम नहीं लगता है। और दही से बनने वाली रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनती है। तो ये देखिए मैंने ऐसे करके सभी उत्पम को तैयार कर लिया है। आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा कलर आया है, और बहुत ही परफेक्ट बने हैं, बिल्कुल बहुत मुलायम होते हैं ये। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाना और मुझे बताना कि कैसी लगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।